चलिए बच्चों, आपके समझ में आ रहा है तो आगे देखिए क्वेश्चन। मैंने चार क्वेश्चन और लिख दिए, तो पहले ये जो क्वेश्चन 8 नंबर का, इसी को सॉल्व कर देते हैं। तो 2 7 3 9 डिवाइडेड बाई 11, तो फर्स्ट टर्म क्या है? 2। ये नंबर बड़ा होना चाहिए, यहाँ से बड़ा है, बड़े में से छोटा घटा दीजिए 1, 2 माइनस 1, ये बड़ा है तो 1 घटा दीजिए 1, 1 में से 7 चला जाएगा तो 6, 3, अब ये 3 आ गया और ये 6 है, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 3 छोटा नंबर है और ये 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, ये कैरी ओवर इधर से लेंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 13, अब 5 13 में से घटाऊंगा तो यहाँ क्या आएगा 8, अब ये 9 है, 9 में से 8 गया 1, अब सीरीज बन गई हमारी, अब इसे साफ साफ लिखना चाहे लिख दीजिए, इसे काट दीजिए, इसे ऊपर लिख दीजिए 2 1 1 5 8 1, तो लास्ट वाला ये वाला जो नंबर है ये रिमाइंडर है और दिस इज कार्ड क्वेश्चन। बोले समझ में आया, थोड़ा टेक्निकल सवाल था, ठीक है। दूसरा देखिए, अब शुरू से चलते हैं, अब 5th नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, 5th 8 हमने करा दिया, 5th है 2 3 1 4 3 2 3 1 4 3 और डिवाइडेड बाई है 11, देखेगा ध्यान से, फर्स्ट टर्म क्या है 2, एज ही चीज रख दीजिए, ये नंबर बड़ा होना चाहिए, यहाँ से बड़ा है, बड़े में से छोटा घटा दीजिए 1, 1 में से 1 घटाया 0, 4 बड़ा है, 4 में से 0 गया 4, यार 4 में से 3 नहीं जा रहा, फिर फंस गई गाड़ी, 4 में से 3 नहीं जा रहा, तो जल्दी सर यहाँ से कैरी ओवर ले लीजिए, तो यहाँ 3 बच जाएगा और ये 13 हो जाएगा, 13 में से 3 घटाएंगे तो 10 आएगा, सवाल आ गया आपको, तो अभी से ऐसे लिख लीजिए 2 1 0 3 10, भाई से 10 मानूंगा, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया रिमाइंडर और ये क्या आया क्वेश्चन। बोलिए बच्चों, मैंने भारी सवाल भी ले लिए और आपको करा रहा हूँ, चलिए 2 6 क्या है 5 4 6 1 5 4 6 1 डिवाइडेड बाई 11, ये सब स्पेशल सवाल मैंने लिखे हैं छांट के, चलिए सर 5, वह 5 में से 4 तो घटेगा नहीं, ये तो छोटा नंबर है, बड़े शुरू में पकड़ लिया, चलिए तो एक कैरी ओवर लीजिए इधर, तो एक कैरी ओवर लेंगे तो यहाँ क्या आएगा 4, कैरी ओवर लेकर क्या आएगा 14, 14 में से 4 गया 10 हो गया, हो गया, फिर यार 4 आ गया, फिर 4 आ गया, ये 10 है, कोई बात नहीं, एक इधर से ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा 9, और ये क्या हो गया 14 में से 9 गया 5, अब 5 ये 6 बड़ा है तो क्या आएगा 1, और 1 में से 1 गया 0, सवाल आ गया आपका, क्या बन गया सवाल 4 9 5 1 और 0, रिमाइंडर क्या आया 0 और क्वेश्चन क्या आया दिस इज क्वेश्चन। बोलिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हो गया, चलिए 7, एक सवाल रह गया 7, 2 3 4 8 9 1 2 3 4 8 9 1 8, ठीक है साहब, सवाल देखिएगा, बड़ा नंबर ऊपर होना चाहिए, चलिए तो 2 फर्स्ट टर्म, हाँ ये बड़ा है, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 4 गया 1, 8 में से 1 गया 7 और 9 में से 7 गया 2, अब 1 बचा और ये 2 है, यहाँ से नहीं जा रहा तो यहाँ कैरी ओवर करेंगे 1, तो यहाँ 1 बचेगा, ये कैरी ओवर हो गया 1 बचा और ये 11 हो गया 11, 11 में से गया तो 10 है या 10 में से भी 8 नहीं जा रहा, भाई 10 में से भी तो 8 नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, एक कैरी ओवर लेंगे तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 18 हो जाएगा, तो 9 में से गया तो 9, ठीक है 18 में से 9 ही तो घटाऊंगा, इस सवाल को संभाल के लिख लीजिए, तो ये आया 2 1 3 1 7 1 और 9 9, तो ये क्वेश्चन, ये रिमाइंडर हुआ, ये क्वेश्चन 2 हो गया और ये रिमाइंडर हुआ,
समझ में आए सवाल? समझ में आए ये वाले? मैं समझता हूँ कि अब आपको 11 से डिवाइड करने के क्वेश्चन खूब अच्छी तरह समझ में आ गए हैं। हर तरीके के सवाल मैंने लिए हैं और आपके समझ में आ गए हैं। फिर भी अगर कोई बच्चा कहेगा तो मैं और सवाल कराने को तैयार हूँ, लेकिन आप इससे सीख गए कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? चलिए, हमारे चैनल को अगर अच्छा लगा तो अवश्य ही सब्सक्राइब करना ना भूलें।